यह वार्ता शुरू हो चुकी है और इस वार्ता में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ओपनिंग स्टेटमेंट्स भी दोनों राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा दी गई हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण मसलों को सामने लाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो बाइडेन ने इस बात को लेकर यह बात भी इस बैठक में ओपनिंग स्टेटमेंट से पहले कही है कि ये एक दोनों देशों के रिश्तों में नया अध्याय। जब मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को उनकी कुर्सी दिखाई तो उनको मैंने कहा था कि हर रोज इस कुर्सी पर हमारी उप राष्ट्रपति बैठती हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। वाइस प्रेसिडेंट्स मदर वाज फ्रॉम इंडिया, साइंटिस्ट एंड रिमार्केबल वुमन। उप राष्ट्रपति जी की जो माता थी वे भारत से थी और एक बहुत ही जानी मानी वैज्ञानिक थी। As I think you know, Mr. Prime Minister, I've long believed that the U.S.-India relationship can help us solve an awful lot of global challenges. और जैसे कि आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं इससे बहुत से वैश्विक मुद्दे जो हैं उनका साथ उनका समाधान निकल सकता है। In fact, back in 2006, I set that hope out. Where I said that by 2020, when I was Vice President, 2020, India and the United States would be among the closest nations in the world. और दरअसल मैंने तो 2006 में ये बात कही थी जब मैं राष्ट्रपति था। मैंने उस समय कहा था कि 2030 तक भारत और अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा करीबी देश होंगे। Maybe I shouldn't, these are not part of my prepared remarks, but when I was in Mumbai as Vice President, I finished meeting with the equivalent of the Chamber of Commerce. ये मैंने अपनी शुरुआती पत्र में लिखा तो नहीं था लेकिन फिर भी बताना चाहता हूँ कि जब मैं मुंबई में था वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर तो मैं उस समय चेंबर के अध्यक्ष से मिला था। And afterwards, the Indian press asked me, "Do I have any relatives in India?" और उसके बाद भारत की प्रेस के लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे कोई अपने प्रियजन, मेरे कोई रिश्तेदार भारत में हैं? And I said, I'm not sure, but when I was elected as a 29-year-old kid in 1972, before I was sworn in, I got a letter from a person named Biden, last name, in Mumbai, from Mumbai. तो मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं लेकिन जब मैं 29 साल का था और 1972 की बात है उस समय जब मेरी उस समय पर मेरी जब कदम मुझे उठानी थी उस समय मुझे किसी व्यक्ति ने खत भेजा था। उसका उन्होंने कहा कि मेरा नाम भी आते नाम बाइडेन है और भारत से थे। And I said that I never was able to follow up. वो मैं फिर बाद में ढूंढ नहीं पाया। Next morning I had a press conference going away and the Indian press said, someone spoke up, you have five Bidens. और अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इंडियन प्रेस ने मुझे बताया कि आपके यहाँ तक पांच लोग हैं जो उनका आखिरी नाम बाइडेन है। And although I've never admitted it jokingly, that I found out that there was a Captain George Biden who was a captain in the East Indian Tea Company. और मजाक में मैंने कहा कि हाँ एक जॉर्ज बाइडेन थे जो कि इंडियन टी कंपनी में कैप्टन थे। That's hard for an Irishman to admit. ये थोड़ा मुश्किल होता है किसी भी आरिश नीति व्यक्ति के लिए मानना। I shouldn't be so casual. I hope you understand the humor. But and the end result was that he apparently stayed and married an Indian woman. And I've never been able to track it down. So the whole purpose of this meeting is for him to help me figure out. तो मैं थोड़ा अनौपचारिक रूप से कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भारतीय मूल की महिला से शादी की थी और उसको ढूंढ नहीं पाया आज तक। तो मुझे आशा है कि एक ना एक दिन हम उसका पता लगाएंगे। But all kidding aside, I think that the relationship between India and the United States, the largest democracies in the world, is destined to be stronger, closer, and tighter, and I think it can benefit the whole world. लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध हैं, हम दोनों सबसे बड़े लोकतंत्र हैं पूरे विश्व में, इन्हें और ज्यादा मजबूत होना है और ज्यादा करीब होना है और एक दूसरे के साथ रहना है। And I think that's begun to come to pass. And today, we're launching a new chapter in the history of U.S.-Indian ties. And taking on some of the toughest challenges we face together,
starting with a shared commitment to ending the COVID pandemic. तो ऐसा हुआ है और आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच में, और उसका पहला काम है कि हम इस बड़ी महामारी COVID-19 को समाप्त करने के लिए वचनबद्धता व्यक्त कर रहे हैं। Prime Minister and I are going to be talking today about what more we can do to fight COVID-19, take on the climate challenges that the world face, and ensure stability in Indo-Pacific, including with our own Quad partners. आज प्रधानमंत्री और मैं इस बारे में बात करेंगे कि किस तरह से कोविड महामारी को दूर किया जाए, किस तरह से जलवायु संकट जो बना हुआ है उसको हम निपट सकें, और इंडो पैसिफिक में किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित बना सकें। Of course, our partnership is more than just what we do. It's about who we are. It's rooted in our shared responsibility to uphold democratic values, our joint commitment to diversity. And it's about family ties, including 4 million Indian Americans who make the United States stronger every single day. हमारी जो आपस में पार्टनरशिप है, जो हमारी सहभागिता है, उससे कहीं ज्यादा है। हम जानते हैं कि हम लोग कौन हैं और हमारे आपस में पारिवारिक संबंध है, क्योंकि 4 मिलियन भारतीय मूल के लोग हैं जो यहाँ पर हमारे देश को ज्यादा सुदृढ़ और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। As the world celebrates Mahatma Gandhi's birthday next week, we're all reminded that his message of non-violence, respect, tolerance matters today maybe more than it ever has. And so I'm looking forward to my discussions with the Prime Minister. Thank you. और अगले सप्ताह जब हम महात्मा गांधी जी का जन्मतिथि बनाएंगे, उस समय पर हमें याद रखना है कि उनके जो बताए हुए मूल्य थे, अहिंसा, लोगों के साथ सहिष्णुता और आदर, ये आज के विश्व में पहले से कहीं ज्यादा इनकी जरूरत है। और प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ आगे बातचीत करने के लिए आगे आ गए हैं। धन्यवाद। Prime Minister, the floor is yours. राष्ट्रपति जी, सबसे पहले तो मैं मैत्रीपूर्ण और गर्मजोशी भरा हम सबका, भारत के डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिस्टर प्रेसिडेंट, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड फॉर दिस a very warm welcome full of friendship, not only to me but to my delegation. 2016 mein aur 2014 mein mujhe aapse vistar se baat karne ka mauka mila tha, aur us samay aapne bharat america ke sambandhon ka, aapka jo vision hai jisko aapne shabdbadh kiya tha, wo waqai बहुत ही प्रेरक था। और आज आप राष्ट्रपति के रूप में उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। मिस्टर प्रेसिडेंट, इन 2016 एंड इवन बिफोर दैट, इन 2014 वी हैड एन अपॉर्चुनिटी टू हैव डिस्कशंस इन डिटेल, and at that time, Mr. President, you had laid out your vision for the relations between India and the United States, and you had enunciated that in great detail, and really that was a vision that was inspirational. And today, Mr. President, as President, you are making all efforts and taking initiatives to implement that vision, and I warmly welcome that. आपने भारत में बाइडेन सर ने उनके लोगों के संबंध में अपना डिटेल में जिक्र किया, आपने मेरे साथ भी इस बात का उल्लेख किया था, तो बाद में मैंने काफी कुछ कागजात खोजने की कोशिश की है, कागजात में लेकर के भी आया हूं, हो सकता है शायद उस पर से कुछ आगे का निकल आए, शायद आपको कुछ काम आए। Mr. President, you have talked today, spoken in detail about the burden, the Biden surname in India, and in fact you had mentioned that to me earlier too. Well, after you mentioned it to me, I hunted for documents, and today I have brought along some documents. Maybe we'll be able to take this matter forward, and maybe those documents could be of use to you. Are we related? Yes.
एक्सलेंसी, मैं आज की हमारी ये बायोलेटरल समीट, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये दशक 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक का ये पहला वर्ष, मैं पूरे दशक की तरफ देख रहा हूं कि आपके नेतृत्व में जो बीज हम बोएंगे इस पूरा दशक हमारी दृष्टि से बहुत ही भारत और अमेरिका के संबंध में, विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ये कालखंड रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। Mr. President, I firmly believe that in our summit talks and summit meeting today, what I see is that this is the third decade of the 21st century. This is the first year of the third decade. And I see that when I look at the entire decade, I find that under your leadership, the seeds have been sown for the Indo-US relations to expand. And for all democratic countries in the world, this is going to be a transformative period. I can see that very clearly. जब भारत और अमेरिका के संबंधों में मैं ट्रांसफॉर्मेटिव देख रहा हूं, तब मैं देख रहा हूं कि ट्रेडिशन, लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को लेकर के जो हम जी रहे हैं और जिसके प्रति हम समर्पित हैं, हम कमिटेड हैं, वो ट्रेडिशन का अपना एक महात्म्य और अधिक बढ़ेगा। And this is when I see that this transformative period is in Indo-US relations. And when I talk about traditions, I'm talking about democratic traditions, democratic values, traditions to which both our countries are committed. And I find that importance of these traditions will only increase further. उसी प्रकार से आपने उल्लेख किया, 4 मिलियन से अधिक लोग भारत के यहां अमेरिका की विकास यात्रा में सहभागी हैं। ये दशक में टैलेंट का अपना एक महत्व है, पीपल टू पीपल, ये टैलेंट इस दशक में बहुत ही प्रभावी भूमिका अदा करेगा और भारत की टैलेंट अमेरिका की विकास यात्रा में पूरी तरह सहभागी होती जाने जाए, उसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। In a similar vein, Mr. President, you mentioned the more than 4 million Indian Americans who are participating in the journey of progress of America. And when I look at the importance of this decade and the role that is going to be played by this talent of the Indian Americans, I find that this people-to-people talent will play a greater role, and Indian talent will be a full partner in this relationship. And I see that your contribution is going to be very important in this. उसी प्रकार से दुनिया में सबसे ज्यादा driving force बन रही है technology. इस दशक में भारत और अमेरिका के रिश्तों में टेक्नोलॉजी और वो भी पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो, उस दिशा में हमारे टैलेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत बड़ी सेवा कर सकती है और एक बड़ा अवसर हमें उपलब्ध होगा। मिस्टर प्रेसिडेंट, इन सिमिलर लाइन्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्राइविंग फोर्स इन द वर्ल्ड टुडे वुड बी दैट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द टेक्नोलॉजी दैट इज गोइंग टू बी for the service and for the use of humanity. And I find that opportunities for this are going to be tremendous. उसी प्रकार से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का अपना महत्व है और इस दशक में ट्रेड के क्षेत्र में भी हम एक दूसरे को काफी पूरक हो सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिका के पास है जो भारत को जरूरत है, बहुत सी चीजें भारत के पास है जो अमेरिका के काम आ सकती हैं, तो ट्रेड भी इस दशक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहेगा।
Similarly, Mr. President, between India and the United States, trade will continue to assume importance. And we find that the trade between our two countries are actually complementary. There are things that you have and there are things that we have, and then we in fact complement each other. And I find that in the area of trade during this decade, that is also going to be tremendously important. Mr. President, आपने अभी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती का उल्लेख किया. महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे. ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है. महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लैनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लैनेट को हमने सुपुर्द करना होगा. और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखी गया और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए द ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो प्लैनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है. Mr. President, you just mentioned that on the 2nd of October we will be celebrating the birth anniversary of Mahatma Gandhi. And Mahatma Gandhi always used to talk about the principle of trusteeship of the planet. And this decade, Mr. President, from that point of view, is also going to be important as this entire principle of trusteeship. It means that the planet that we have, we have to bequeath it to the following generations, and this sentiment of trusteeship is going to assume more and more importance globally, but also between the relations between India and the United States. And it is these ideals that Mahatma Gandhi espoused, where he talked about trusteeship of the planet, and where the responsibility of global citizens is only going to go up. और राष्ट्रपति जी जैसे कि विषयों का आपने उल्लेख किया, ये सारे विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है. और आपने पदभार संभालने के बाद चाहे कोविड हो, क्लाइमेट हो या क्वाड हो, हर एक में एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव लिया है. और मैं समझता हूँ ये यूनिवर्सिटी, ये जो आपका इनिशिएटिव है, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रभाव पैदा करेगा. और मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत में भी इन सारे विषयों को हम विस्तार से विचार विमर्श करके हम कैसे साथ चल सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए भी और दोनों मिलकर दुनिया के लिए भी क्या कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं. मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में आज की चर्चा बहुत सार्थक करेगी. Mr. President, you mentioned very important issues, and after assuming charge as President of the United States, you have taken very unique initiatives, whether that be COVID-19, climate change, or even Quad. And in the days after that, after taking this initiative, you have made and deployed great efforts to bring them to implement your vision. And also today we have this opportunity to discuss all these issues in great detail. How and after our discussions, we will look towards how we can work further together, not only for our respective countries, but for the entire world, how we can take positive action. And I am absolutely convinced that under your leadership, whatever we do, it will be extremely relevant for the entire world. राष्ट्रपति जी, मैं फिर से एक बार आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ इस गर्मजोशी पर स्वागत के लिए. Once again, Mr. President, let me thank you profusely for this very warm welcome. तो आप ये व्हाइट हाउस से सीधा प्रसारण देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो रही है. ऐसे में ओपनिंग स्टेटमेंट्स दे रहे थे दोनों राष्ट्राध्यक्ष.